गाइज फर्स्ट अपडेट इज़ अबाउट आई एफ बी बी प्रो बॉडी बिल्डर मुराद गोनुल जिनकी डेथ हो चुकी है एट द एज ऑफ जस्ट फोर्टी सिक्स टर्किश कैनेडियन आई एफ बी बी प्रो बॉडी बिल्डर मुराद गोनूल की डेथ की न्यूज़ को रिसेंटली आर एक्स मसल ने रिपोर्ट किया है और कॉज ऑफ़ डेथ अभी तक रिवील नहीं किया गया है टर्किश बॉडी बिल्डर का जन्म इस्तानबुल में हुआ था ऑन जनवरी सिक्स नाइनटीन सेवेंटी सेवन मुराद पैशनेट थे फॉर बॉडी बिल्डिंग मुराद ने आई एफ बी बी प्रो शोज़ में टू थाउजेंड एंड नाइनटीन में पार्टिसिपेट किया था और इनकी फैंटेस्टिक वी टेपर और बैलेंस्ड प्रपोशन फिजीक थी इस बॉडी बिल्डर ने फिनिश किया था एट फोर्टीनथ प्लेस इन द न्यूयॉर्क प्रो शो जो कॉन्टेस्ट स्पोर्ट ने रिकोगनाइज़ किया था एज द थर्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस बॉडी बिल्डिंग इवेंट बिहाइंड ओनली द नॉल्ड क्लासिक एंड मिस्टर ओलंपिया कम्पिटिशन 46 सिक्स ईयर ओल्ड टर्कश कैनेडियन 212 वन टू आई एफ बी बी प्रो बॉडी बिल्डर मुराद गोनूल की सडनली डेथ हो चुकी है उसका रीजन अभी तक रिवील नहीं किया गया है लेकिन हमारे कंडोलेंसिस उनकी फैमिली उनके फ्रेंड्स के साथ हैं मे ही सोल रेस्ट इन पीस नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट जेरेमी भ्यूंडिया जेरेमी भिउंडिया ने बात की अपने कम बैक के रिलेटेड और प्रोग्रेस के रिलेटेड भियडिया ने बताया कि वो एक अच्छे से पाथ को डिजाइन करेंगे टू विन द 2023 ट्वेंटी थ्री मैं ओलम्पिया कॉन्टेस्ट जेरेमी ने एक्नॉलेज किया कि एरिन बैंक्स की हाइट एक बिग प्रॉब्लम हो सकती है ऑन द ओलंपिया स्टेज और इन्होंने अपना ओपिनियन रखा ऑन द करंट मैंस फिजिक लैंडस्केप जेरेमी का मानना है कि अगर वो एरिन बैंक्स को डिफीट करना चाहते हैं देन तो उन्हें राइट अमाउंट ऑफ साइज की जरूरत होगी विद नियर परफेक्ट कंडीशनिंग तभी वो उसे बीट कर सकते हैं इसके साथ साथ फोर टाइम्स मेंस फिज़िक ओलम्पिया ने यह भी बताया कि डिवीज़न बहुत तरीके से चेंज हो चुकी है उनके फर्स्ट टाइटल विन के बाद और अकॉर्डिंग टू बी इंडिया मेन्स फिजिक कंपटीटर कंटिन्यूस ग्रोथ कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं विद द वेट हाइट सिमिलैरिटी जो यूज होती थी इन द क्लासिक फिजिक डिवीज़न जेरेमी ने स्पेसिफाई किया कि वो ट्राई करेंगे क्लासिक फिजिक में भी अगर उनका इनफ वेट हो एट अप्रोक्सीमेटली वन एटी वन पाउंडस दूसरी तरफ एरिन बैंक्स ये मानते हैं कि डिवीज़न मूव ऑन कर चुकी है विदाउट जेरमी बी इंडिया एंड बैंक्स ने ये ऐड किया कि वो अपने अर क्लासिक टाइटल को डिफेंड करेंगे इन मार्च नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट टू वन टू बॉडी बिल्डर शॉन क्लैरिडा शॉन क्लैरिडा अब मेंस ओपन में कम्पीट करने वाले हैं और उन्होंने टीज किया है सैमसन डोडा को जो उनके कंपटीशन में है एट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आर क्लासिक एक मस्कुलर डेवलपमेंट के इंटरव्यू में क्लैरिडा ने डिस्कस किया अपनी स्ट्रैटेजी का फॉर द ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आर क्लासिक और टीज की एक बैटल विद मास मोस्टर सैमसंग डोडा अपनी डिस्कशन से पहले क्लारिडा ने यह कहा कि पीपल डाउट करते थे उनकी हाइट और उनकी साइज़ पर क्योंकि जब तक वो टू वन टू ओलंपिया टाइटल्स नहीं जीते थे लेकिन अब जो वो टाइटल जीत चुके हैं तो लोगों का मानना है कि वो मेंस ओपन में भी एक टफ कंपटीटर रहेंगे अपने कंपटीशंस के साथ और उनका कहना है कि वो इस टाइम टॉप प्लेसिंग लेकर आ सकते हैं और रॉट क्लासिक टाइटल जीत सकते हैं अपने कंपटीशंस के कंपैरिजन में इसके साथ साथ शॉन क्लैरिडा काफी कॉन्फिडेंट हैं और उनका मानना है कि वो आउटशाइन करेंगे ओपन क्लास एथलीट्स को विद प्रेजेंटेशन सिमेट्री एंड कंडीशनिंग ऑन स्टेज और फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं टू सी ए बैटल बिटवीन सैमसन डायोडा एंड शॉन क्लैरिडा बिक आपके क्या थॉट्स हैं अबाउट दिस आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कीप वॉचिंगर यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड कॉन्टेंट